दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महानतम कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया से मिली हार के बाद पूरे हिंदुस्तान में शोक का माहौल था, जिसे देखकर बॉलीवुड के जाने माने कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी भावुक हो गए, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने दोबारा फाइनल मैच करने के लिए ICC से अपील कर दी और ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी इन कपल के मुरीद हो जाएंगे। तो आखिर रणवीर और दीपिका ने क्यों ऑस्ट्रेलिया को बेईमान बताते हुए लगा दिया ICC से दोबारा फाइनल मैच को कराने की गुहार, ये सब कुछ हम आपको रणवीर और दीपिका के बयान में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महानतम कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया का टूट गया विश्व कप का खिताब, जीतने का सपना 2003 की तरह एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया टीम ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही, कप्तान रोहित शर्मा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वो भी टीम के लिए 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम की तरफ से सबसे अधिक रन KL राहुल ने 66 रन बनाए तो वहीं विराट कोहली ने भी 54 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया के स्कोर को 50 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 240 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने मध्य स्कोर रखा था, उनका हौसला तो इसको देखकर ही बुलंद था। ट्रेविस हेड ने अकेले दम पर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। इस मैच में ट्रेविस हेड ने 137 रनों की तूफानी पारी खेल अपनी टीम को 6वीं बार विश्व कप का खिताब दिला दिया, साथ ही टीम इंडिया का सपना चकनाचूर कर दिया। भारत की हार पर स्टेडियम में बैठे लाखों दर्शक फूट फूट कर रोने लगे, वहीं खिलाड़ियों की आंखों में आंसू आने लगा। विराट कोहली तो अपने आंसू को छुपा नहीं पा रहे थे, हार का दर्द झलक रहा था। वहीं टीम इंडिया की हार पर मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी के भी आंखों में आंसू भराए और उन्होंने ICC से दोबारा मैच करने के लिए गुहार लगा दी, साथ ही उन्होंने बड़ी रकम देने का भी ऐलान कर दिया। तो चलिए हम आपको उनके बयान को भी सुनाते हैं। दीपिका पादुकोण ने भारत की हार पर भावुक होने के बाद 27 नवंबर को दोबारा फाइनल करने पर बयान दिया कि टीम इंडिया की हार पर मैं भी बहुत भावुक हो गई, मेरी आंखों में तो आंसू निकल आए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हम मुकाबला इतनी आसानी से हार गई। इस मैच में कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है और एम्पायर ने भी हम लोगों का साथ नहीं दिया। मार्नस लबुशेन आउट थे लेकिन एम्पायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया जिसके कारण मैच का पूरा रुख ही बदल गया। इस फाइनल मैच में बहुत बेईमानी हुई जिसके कारण अब ICC को 27 नवंबर को दोबारा फाइनल मैच करना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान ICC से यही उम्मीद कर रहा है। तो वहीं रणवीर सिंह ने भी दोबारा फाइनल मैच करने पर बयान देते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी ICC कितने बड़े टूर्नामेंट में बेईमान हो जाएगी, ICC को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और 27 नवंबर को दोबारा फाइनल मैच करना चाहिए, तब जाकर हमारे हिंदुस्तानियों को इंसाफ मिलेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि टीम इंडिया कैसे मैच को हार गई, हमारी टीम ने शानदार खेल पूरे विश्व कप में दिखाया और मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा फाइनल मैच होगा तो टीम इंडिया किसी भी हाल में ट्रॉफी को अपने नाम करेगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से रणवीर और दीपिका ने भी भारत की हार पर भावुक हो गए और ICC से दोबारा 27 नवंबर को मैच करने की गुहार कर दी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे महान कप्तान? दोस्तों विश्व कप 2023 के आंसुओं के साथ विदाई के बाद अब IPL का फीवर सर चढ़कर बोलने लगा है। हालांकि IPL 2024 में अभी 4 महीने से भी अधिक का समय शेष है, जिसके लिए ट्रांसफर विंडो बहुत तेजी से बड़े बड़े बदलावों को दिखा रहा है, जहां प्लेयर्स की अदला बदली करने का टीमों के पास 26 नवंबर तक आखिरी मौका है, उसके बाद इस विंडो को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन केवल छोटे मोटे नहीं बल्कि कई नामी ग्रामी खिलाड़ियों की भी अदला बदली इस बार टीमों के बीच देखने को मिली है। जी हां, विश्व कप 2023 में भारत के कप्तान रोहित शर्मा भले ही अपनी कप्तानी में भारत को खिताब न जिता सके हो, लेकिन अब IPL 2024 में रोहित अपनी टीम को चैंपियन बनाना चाहेंगे। वैसे तो रोहित को अभी तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए देखा गया है, अपनी कप्तानी में रोहित ने मुंबई इंडियंस को एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 बार चैंपियन भी बनाया है। लेकिन पिछले 2 IPL सीजन में रोहित शर्मा की कप्तानी कुछ खास नहीं रही है और ना ही बल्ले से वो कुछ ज्यादा कमाल कर सके। ऐसे में अब जानकारी सामने आ रही है कि रोहित शर्मा IPL 2024 में मुंबई इंडियंस नहीं बल्कि दूसरी टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं और सालों पुराना रोहित और मुंबई का नाता टूटने वाला है। जी हां, अब फ्रेंचाइजी रोहित और गुजरात टाइटंस की कप्तानी के साथ ट्रेंड कर सकती है और IPL 2024 में रोहित गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। इस खबर ने तो सामने आते ही पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि मुंबई इंडियंस IPL के नए सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को टीम में फिर से शामिल करने वाली है, यानी मुंबई का चैंपियन पर एक बार फिर मुंबई से वापस आ रहा है। आपको बता दें IPL को 2 सीजन तक हार्दिक ने गुजरात टाइटंस की कप्तानी की और एक बार फिर से टीम को खिताब को जिताया है, जबकि दूसरी बार गुजरात टाइटंस फाइनल तक पहुंची थी। ऐसे में अगर हार्दिक मुंबई में शामिल होते हैं तो फिर उनको टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है। अब ये केवल अफवाह ही नहीं रह गई है बल्कि खुद इनका ऐलान नीता अंबानी जी ने कर दिया है। जी हां, नम आंखों से उन्होंने कहा है कि रोहित तो मुंबई इंडियंस के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी है, वो हमारा एक अटूट हिस्सा है, लेकिन हर सुनहरे सफर का अंत होता है। मुंबई इंडियंस हमेशा भविष्य को देखकर चलती है, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने तराशा और आज इनका जलवा पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में IPL 2024 में हम हार्दिक को अपने
साथ शामिल करना चाहते हैं। हमने उनसे बात भी की है, उन्हें प्रस्ताव भी भेज दिया है, हमें बस इंतजार है उनके रिप्लाई का। और यदि उन्होंने हाँ कर दिया तो फिर हम हार्दिक को अपनी टीम में लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो केवल इतना ही नहीं, रोहित को लेकर उन्होंने कहा कि रोहित की लेगेसी को कोई भी नहीं भूल सकता है, लेकिन अब समय है कि एक नए कप्तान की तलाश की जाए। इसी कारण हमने हार्दिक को टीम से वापस लाने का फैसला किया है, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्द खुद रोहित टीम की कप्तानी छोड़कर आईपीएल को अलविदा कह दे। इसलिए हम उस मुश्किल परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नीता अंबानी ने तो अपनी बातों से करोड़ों मुंबई और रोहित के चाहने वालों का दिल तोड़ दिया। हालांकि रोहित गुजरात में जाएंगे या नहीं ये बात तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन हार्दिक तो बहुत जल्द मुंबई के कप्तान बनने वाले हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में किसे मुंबई का कप्तान बनना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, विश्व कप तो आंसुओं के साथ बीत गया, लेकिन क्रिकेट की इस दुनिया में खेलकर रोमांच कभी भी खत्म नहीं होता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, क्रिकेट के इतिहास में यदि सबसे बड़ी जंग किसी के बीच होती है तो वो है भारत और पाकिस्तान। जी हाँ, जिसके लिए केवल ये दोनों देशों के फैंस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उत्साहित रहती है, क्योंकि इस महामुकाबले में रोमांच की सारी हदें इस कदर पार होती हैं कि हर एक दर्शक अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाता है। हाल ही में संपन्न हुए विश्व कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए ऐतिहासिक महामुकाबले में रिकॉर्ड तोड़ दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे और क्रिकेट इतिहास के 100 सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया था। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही दीवानगी होती है भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए। हालांकि दोनों देश केवल आईसीसी इवेंट में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ऐसे में बहुत पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सीरीज खेलने पर बैन लगा दिया गया, जो क्रिकेट के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि इन दोनों के बीच महामुकाबला हर कोई देखना चाहता है। लेकिन अब सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, बहुत जल्द हमें भारत और पाकिस्तान वनडे के साथ T20 और टेस्ट सीरीज के लिए एक दूसरे के आमने सामने देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 2023 बीतने के बाद 2024 के नए साल में भारतीय क्रिकेट एक नए सफर की शुरुआत करने वाला है, जो होगा इंडिया और पाकिस्तान की ऐतिहासिक राइवलरी के साथ। जी हां, 8 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच इंडिया और पाकिस्तान वनडे के साथ टेस्ट मैचों और T20 सीरीज के लिए दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, जहां 3 T20 मैचों के साथ 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये ना ही भारत में होगा ना ही पाकिस्तान में, बल्कि इसे अपने देश में कवर करने का ऑफर ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया है, यानी कि मेलबर्न, पर्थ और ब्रिस्बेन जैसे बड़े बड़े स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए आईसीसी और पीसीबी से लेकर बीसीसीआई ने भी मोहर लगाई है और ऑस्ट्रेलिया को इसके लिए उपयुक्त वेन्यू माना गया है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से अपने मधुर संबंध करने के लिए यह क्रांतिकारी कदम उठाने को तैयार है और उन्होंने ही इसका प्रस्ताव भेजा है, जिसे बीसीसीआई मंजूरी देने के बारे में फिलहाल विचार कर रही है। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन आईसीसी भी चाहती है कि इन दोनों देशों के बीच सीरीज दोबारा शुरू हो जाए और दुनिया का हर क्रिकेट प्रेमी इसके लिए बेहद उत्साहित है। इन्हीं सबको देखते हुए बीसीसीआई बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान की सीरीज को मंजूरी दे सकती है और हमें जनवरी में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े मुकाबले देखने को मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे और टी20 सीरीज के साथ टेस्ट मैच खेलना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, वनडे विश्व कप के फाइनल में हार के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है, जिसका पहला टी20 मैच भारतीय टीम ने 2 विकेट से जीता। ऐसे में अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। तो इस बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉट की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, जिन्होंने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया। वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की, तो इस दौरान अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में बल्लेबाज मैथ्यू शॉट को 2 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आए। इस बीच दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मुकेश कुमार ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ को 5 रन के स्कोर पर LBW आउट किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्कस स्टोनिस मैदान पर आए और इस दौरान मार्कस स्टोनिस और इंग्लिश ने मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी की और इस बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पावर प्ले में 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए। तो वहीं पावर प्ले समाप्त हो जाने के बाद 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई ने मार्कस स्टोनिस को 29 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान मैथ्यू वेड मैदान पर आए और इस बीच मैथ्यू वेड और इंग्लिश ने मिलकर टीम को संभाला, जहां पर इंग्लिश ने भी अपना अर्धशतक 11 ओवर में पूरा किया। वहीं मैथ्यू वेड के साथ टीम को आगे ले जाने का काम किया। इस बीच मैथ्यू वेड अर्धशतक लगाने से चूक गए और 15 ओवर में गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के सामने क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। इस दौरान महान गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने मैथ्यू वेड को 45 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने डेविड आए और इस दौरान टीम डेविड ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अंत तक नाबाद 40 रन की पारी खेली। दूसरी तरफ से इंग्लिश ने अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए 103 रन की नाबाद पारी खेलकर अपना शतक पूरा किया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 234 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए और इस दौरान रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा चारों को एक एक विकेट मिला।